गाइस स्वागत है आपका वी आर क्रिएटर्स के थर्ड एपिसोड में। आज की इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने यूट्यूब को कॉपीराइट फ्री बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हेल्प लेने जा रहे हैं महात्मा जी टेक्निकल यानी कि अमरीश भारती सर का। तो उन्होंने लास्ट संडे दिल्ली में एक मीटअप रखा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने यूट्यूब को कॉपीराइट फ्री बना सकते हैं, कैसे हम नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए कुछ नई नई चीजें सोची हैं जिसका मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में उस क्लिप को। तो उन्होंने एक नई चीज सोची जिसमें जैसे कि आप भी अगर क्रिएटर्स हैं तो सबने अलग अलग स्किल्स होती है, जैसे कि कोई म्यूजिक डेवलप कर सकता है अच्छा, या फिर कोई फोटोज डेवलप कर सकते हैं अच्छी, नॉन स्टॉक फोटोज बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी चीज जो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं जो कि आप नॉन कॉपीराइटेड देना चाहते हैं, तो वो एक वेबसाइट बनाएंगे आगे जिसमें आप अपना कंटेंट को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने रियल में क्या कहा, उसकी आपको फुटेज आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो उसमें आप अपना कंटेंट को शेयर कर सकते हैं जिसे कोई भी बंदा आकर यूज कर सकता है अपने चैनल पर। जैसे कि किसी को म्यूजिक चाहिए तो कोई बंदा म्यूजिक में एक्सपर्ट है जिसको, जो हमारे लिए म्यूजिक बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 मिनट में म्यूजिक बना देंगे, यहाँ पे 2 मिनट में आपके लिए एक नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक बना देंगे। तो उसे आप यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के टेंशन के। तो फिलहाल मेरी भी कुछ वीडियोस पे लास्ट में बहुत कॉपीराइट है, जो मैं लास्ट में आपने देखा था गेट लो एंड फास्ट वाले ट्यून यूज करता था जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 से ली गई थी स्टार्टिंग की ट्यून। तो उसको हर वीडियो में मेरी कॉपीराइट लग चुका है। तो मैं कुछ में तो मैंने सॉन्ग को रिमूव कर दिया लास्ट के सॉन्ग को, लेकिन कुछ में भी लगा हुआ है जिसमें मैं हटाना नहीं चाहता उस सॉन्ग को। तो इसी तरीके से कॉपीराइट लग जाता है, मैं वीडियो डालता बाद में हुआ जैसे पब्लिश बाद में हो तो उससे पहले ही कॉपीराइट का मेरे पे नोटिस आ जाता है। तो हम एक इस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक नॉन कॉपीराइट कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने व्यूवर्स को। तो ये पहल है जो कि महात्मा जी टेक्निकल जो कि काफी एक्सपीरियंस होल्डर है यहाँ पे, जिनका एक चैनल भी है वी मेक क्रिएटर्स का, तो वो ऐसे कुछ टिप्स देते हैं। तो उनका एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो, जिसमें हम सभी लोग अपने जो जिस चीज में हम एक्सपर्ट है उसको अपलोड करेंगे और कोई भी बंदा उसे आके यूज कर सकता है, उसका एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा। तो हम देखते हैं कि महात्मा जी टेक्निकल यानी कि अमरीश भारती सर ने यहाँ पे क्या कहा। तो वो फुटेज आप यहाँ पे देख लीजिए। ये एक सोशल वेबसाइट रहेगी जैसे videoblogs.com है, वैसे एक सोशल वेबसाइट जहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, जो लोग जुड़ेंगे पहले उसको उसमें यूजर आईडी पासवर्ड होगा, लोग जाके जो एक्सेस, जैसे सपोज दैट किसी को कोई फुटेज चाहिए, कोई म्यूजिक चाहिए वो डाउनलोड, किसकी फुटेज है किसकी, सपोज दैट मैंने वो फुटेज अपलोड करी थी, कौन बंदा डाउनलोड कर, जो डाउनलोड कर रहा है उसको पता चलेगा कि ये मेरी फुटेज है और ये डाउनलोड कर रहा है, इससे आगे चल के कोई मिसयूज करे तो पता चल जाए किस बंदे ने करा। ये हमें लग रहा होगा अगर हम जनरली हम लोग उतना वेबसाइट डेवलपर नहीं है, लेकिन जो लोग डेवलपर है उनके लिए बहुत आसान काम है। मैंने 10 लोगों से पूछा है, 10 डेवलपर से जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत आसान काम है, चाहे वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाए, पीएचपी के थ्रू बनाए, जिनसे मैंने बात की है, आपने देखा होगा मेरी स्टोरी में एक थे साथ, तो बहुत उनके लिए बहुत आसान काम था कि ऐसी वेबसाइट बनाना। उसके बाद जहाँ पे आपको म्यूजिक वीडियो फुटेजेस और पिक्चर्स, यही तीन चीज़ों की फुटेज तक सबको प्रॉब्लम होती है ना, फुटेजेस दबा के रहेंगे वहाँ पे, बहुत सारी वीडियो ऐसी होंगी जो अनप्रोफेशनल होगी, लेकिन बहुत से लोग प्रोफेशनल वीडियो अपलोड कर देंगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में ये उतनी क्वालिटी नहीं आएगी, 4-5 महीने बाद इस पर क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे मिलने लगेगा, जो लोग डाउनलोड करेंगे और उनको यूज कर सकते हैं। और दिक्कत आएगी सर, एक बंदा यूज कर रहा है दूसरे ने यूज कर लिया कॉपीराइट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वीडियो ब्लॉग्स की वीडियो हजारों चैनलों पर चल रही है, मेरे चैनल पे और भी जो मेरे साथ उनके चैनल पे, हाँ से बेटर है। फिर उसके बाद हम ये चीज़ साथ में रख रहे हैं कोलैबोरेशंस का, मान लो उसके थ्रू हम लोग हजार लोग जुड़े हैं, हजार लोग जुड़े हैं दिल्ली से, कुछ 200-300 लोग जुड़ेंगे, तो एटलीस्ट एक हमेशा एक छोटा सा सोशल कैंपेन रहेगा कि भाई आपस में एक वहाँ पे फॉरम रहेगा, जो लोग डालेंगे कि भाई मैं अपना एक कोलैबोरेशंस वीडियो बनाना चाहता हूँ, या मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए कितने लोग मुझे कोलैबोरेशंस लाइक अपना साउंड आउट या फिर हाँ थैंक यू वीडियो या फिर कंग्रेचुलेशन वीडियो भी करेक्ट उसमें फॉरम का बना। मुझे लगता है डेवलपर यहाँ पे है कोई, आई थिंक आप साइज से सहमत होंगे, बहुत आसान काम होगा एक फॉर्म बनाना जहाँ पे गोविंद आके लिख सकता है, और बहुत से लोग सहमति दे देंगे कि हाँ भाई मैं तेरे लिए वीडियो भेज रहा हूँ, मैं तेरे लिए वीडियो भेज रहा हूँ, ईमेल आईडी मेंशन करेगा उसको, सो हमें तो कोई रैंक नहीं कराना, उस लेवल पे लेके जाना, वट एवर फ्यूचर क्या आई डोंट नो, लेकिन स्टार्टिंग जो लेवल है उसका जो 2000 है उनको मानो, एक वेबसाइट है जहाँ से फुटेजेस म्यूजिक और पिक्चर फ्री में मिलते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन वाली बात थी कि भाई कोई बंदा यूज कर ले जिसने कॉपीराइट दे दी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो अपलोड करेगा उसके कंसेंट है, मेल के थ्रू नहीं नहीं क्रेडिट देने की कुछ चीज़ों के हम लोग ना लूप होल्स है, जैसे अभी एक नया पॉइंट निकल गया क्रेडिट देना पड़ेगा क्या, तो हम इस पर रखेंगे कि चाहे रखना है कि नहीं रखना, नहीं भी रख सकते आगे चल के डिस्कशन जब होगा कुछ लोग बैठेंगे मेरे,
करा, ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्रेडिट देना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो जो बंदा शेयर कर रहा है वो मोटिवेट होगा शेयर कर, ये हो सकता है, मतलब घटना इतना उपाध्याय डिस्कशन है, बट कहने का मतलब है कि अगर आप यूज कर लेते हैं तो कॉपीराइट नहीं होगा। म्यूजिक की बहुत जरूरत होती है हर चैनल को, म्यूजिक बनाना, कुछ लोग म्यूजिक बनाते हैं यहाँ पर, देखो भाई म्यूजिक बना रहा है, अब उसके लिए बहुत आसान काम होगा म्यूजिक बनाना, वो एक घंटा लेगा, दो मिनट बना लेगा, म्यूजिक बना के अगर वहाँ पे 100-150 मिल जाए सही कंटेंट वाली है, हजार मिल जाती है, लेकिन एक सही म्यूजिक अगर हमें मिल गई तो क्या दिक्कत है, यार सोशल चैरिटी नाम की चीज़ है, मैं दो वीडियो बना के डालने कुछ अपनी हेल्प भी तो है, कंट्रीब्यूशन भी तो है ना, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग नहीं आएंगे मैं जानता हूँ, समझिए बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो सोशली हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, चलो यार इस चीज़ को बढ़ावा दें, चाहे वो अपना एक होता है कंसेंट कि चलो हजार लोगों से मिले, बहुत सी बातें हर जगह कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है, मैं उन लोगों के लिए कहूँ जो लोग सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, मैं आपको उनके फायदे के लिए बता दूँ कि कुछ जुड़ना है आपसे, आपको एक ऐसी कम्युनिटी में जुड़ रहे हो जो आज नहीं, आज से 3 साल बाद जब कभी भी कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी का नाम लिया जाएगा तो बंदा कहा भाई हम लोगों ने तो बनाया था यार, धीरे से बोलेगा बोले सर आपने बनाया ये चीज़, तो एटलीस्ट वो ये तो कह पाएगा जब वहाँ पे 3-3 हज़ार आज ठीक है मैंने एक मैसेज मारा, लेकिन जब कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी के 4 बंदे आके हेड आके वहाँ पे बोलेंगे कि भाई हमारा हो रहा मीटअप है, कहाँ से लोग आ जाएंगे, उसके बाद हमें रखा है एक स्मॉल गेट टुगेदर जो हमेशा ऑर्गेनाइज करेंगे जिस भी सिटी में होगा, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ भी, जहाँ जहाँ के एक कोऑर्डिनेटर रहेंगे धीरे धीरे हमारे, जैसे दिल्ली का हो गया तो एक बंदा दिल्ली में हेड है, सबको मैनेज कर, मैनेज करना नहीं 24 घंटे बैठना है, बस 5 मिनट देखा है वेबसाइट पे दिल्ली के बंदे क्या कर रहे हैं, क्या वीडियोज बना रहे हैं हमारी कम्युनिटी, कोई बंदा कोलकाता से है तो वहाँ पे एक बंदा हेड है उस चीज़ को मैनेज करेगा, उसने हमसे कंसल्ट लिया कि मैं दिल्ली में एक छोटा सा मीटअप कर रहा हूँ, कलकत्ता में एक मीटअप करना है, तो यहाँ के बंदे थोड़ी हेल्प कर देंगे वीडियोस बना के, सपोज दैट इसका एक अपना एक चैनल भी बन सकता है, है ना, आगे चल के छोटा सा अपना कॉपीराइट फ्री कम्युनिटी का चैनल रहेगा जहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ और कंसर्न देना है, जरूरी नहीं हर बार मैं अपने वीमे क्रिएटर और महात्मा जी टेक्निकल के बारे में इसके बारे में बोलूँ, क्या पता मैं 4 महीने बाद बोलना ही बंद कर दूँ, लेकिन इसका एक अपना एक फॉरम होगा, जो लोग वहाँ पे आके अपना 4 लोग बैठेंगे बताएंगे भाई हमारा कलकत्ता में मीटअप है, वहाँ पे इसके बाद बाहर के बंदे ना जाए, कलकत्ता वाले आके गेट टुगेदर कर ले, समझ रहे हैं, इट्स नॉट अ कंपनी यार, एक सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जहाँ पे अपना लोग जुड़ेंगे, और इससे बेनिफिट किसको होगा, इससे बेनिफिट लाख वालों को नहीं होगा, लेकिन उस लाख वाले को ये बेनिफिट होगा कि 4 लोग उसको जानेंगे कि वो हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करना देखो जब जब आप 99% अपना कमर्शियल कर रहे हैं, 1% चलता है, अगर मैं आ सकता हूँ तो बहुत से लोग होंगे जो आप कंसर्न देंगे। तो गाइस जैसे कि आपने भी देखा यहाँ पे सर ने हमारे साथ क्या यहाँ पे शेयर कर रहा दिल्ली के मीटर में जो कि हुआ था लास्ट संडे यानी कि 10 फरवरी को, तो ये काफी अच्छी अच्छा जो पहलू हुआ है जिसमें आप पूरे जो हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी है इसे आप कॉपीराइट फ्री करा सकते हैं, तो हमें किसी के आते नहीं होना पड़ेगा, हमें किसी की इसकी हमें फुटेज देनी या फिर ये वाला सॉन्ग लेना है, तो हम अपना खुद का प्रोड्यूस करके जो कि हमारे भाई लोगों ने यानी कुछ यूट्यूबर्स ने खुद प्रोड्यूस करा है उनका भी थोड़ा सा प्रमोशन होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से काफी अच्छी मेरे को शुरुआत लगी है, जो कि एक वेबसाइट आ गई फ्यूचर में बनाने वाले हैं, 3-4 तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी कम्युनिटी को बना देंगे नॉन कॉपीराइटेड, तो जो मेनली जो कॉपीराइटेड इमेज होती है या फिर म्यूजिक होते हैं या फिर कुछ क्लिप्स होती है उन्हें हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो हम जैसे व्यूअर्स हैं कुछ सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, कोई किसी चीज में परफेक्ट होता है, तो हम ही लोग उसमें से जो जिस चीज में परफेक्ट है वही वहाँ पे हम अपलोड करेंगे, और हम ही लोग जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उसी वेबसाइट से यूज कर सकते हैं, तो वेबसाइट उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे जल्दी काम चलने वाला है, तो डेवलपर्स को वेबसाइट जल्दी ही बनाएंगे, तो काफी अच्छा है कदम मेरे को लगा, तो ये थे इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी ही कर दीजिए। Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me.